फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज उर्वशी फ्रॉम खूबसूरत किचन। आज हम बनाएंगे पालक कॉर्न। पालक पनीर आपने बहुत खाया है, आज ये भी रेसिपी आप देख लो, आप इसको भी जरूर ट्राई करो। पालक कॉर्न बहुत ही टेस्टी लगता है, होटलों में थोड़ा कम मिलता है, पालक पनीर ही ज़्यादा मिलता है, लेकिन पालक कॉर्न भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आइए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना शुरू करेंगे रेसिपी आपके साथ। आप अंत तक बने रहें ताकि कोई भी चीज़ रेसिपी मिस नहीं हो, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आपको अगर कोई नोटिफिकेशन अगर हर वीडियो का चाहिए तो ऑल बटन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका आपको लिंक तुरंत आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा फ्रेंड्स। और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और जिन्होंने ऑलरेडी कमेंट्स किया है उनको रियली थैंक्स अ लॉट। आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ न्यू रेसिपी। दिस इज उर्वशी फ्रॉम खूबसूरत किचन। आज हम बनाएंगे पालक कॉर्न। पालक को ले लेंगे हम कुकर में, हमने पानी ले लिया है, इसे हम गरम कर लेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब इसमें हम नमक थोड़ा डाल देंगे। नमक आप थोड़ा अंदाज से डाल देना, नम एज पर टेस्ट डाल दीजिएगा। पालक को हम रफली काट लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बारीक काटना है, नहीं, बस हम रफली थोड़ा सा पालक को काट लेंगे। हम लहसुन के दो टुकड़े और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी हम पानी में डाल देंगे, और पानी को अब अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, अब इसमें हम पालक को डाल के एक मिनट में हम निकाल लेंगे। एक मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि हमें इसे ब्लांच करना है, कुक नहीं करना है। ज़्यादा कुक करने से जो ग्रीन कलर है पालक का, जो इतना सुंदर दिखता है उसके वजह से, वो चला जाता है। इसीलिए हम इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, एक मिनट में ही हम निकाल लेंगे ब्लांच करके। ये देखिए, अब ये हो गया है, ऑलमोस्ट एक मिनट हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा करके फिर इसे हम ग्राइंड करेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। एटलीस्ट 10-15 मिनट्स के लिए हम इसे एक किसी भी एक प्लेटर में रख देंगे। जो लोग स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं वो इस समय एक या दो चिली आप जब ग्राइंड करेंगे तब डाल सकते हैं। अब जो पानी भी इसमें रह जाएगा पालक का, इसे हम फेंकेंगे नहीं। जितना हमें पालक के लिए चाहिए होगा पीसने के लिए, थोड़ा सा पानी हमें चाहिए होगा पीसने के लिए, तो बाद बाकी जो भी पानी बचेगा इसे आप स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे कोई दाल बना रहे उसमें ले सकते हैं, या फिर आप इवन आप अगर आटा मल रहे हैं तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पालक का पूरा न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो पानी में आ गया है। तो आप इस पानी को इजिली वे में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। पालक को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। स्वीट कॉर्न जो है वो हमने टीन का लिया है, कैंड लिया है। आप अगर चाहो तो फ्रेश भी ले सकते हो, जो भी इजी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया है, अब इसमें हम कॉर्न को फ्राई कर लेंगे। कॉर्न हमने पैन में डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे। कॉर्न अच्छे से सौते हो रहा है, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब स्वीट कॉर्न अच्छे से हमारा सौते हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। 2 टेबलस्पून हमने ले लिया, अब इसमें हमने आधा हाफ टी स्पून के आसपास हमने जीरा डाल दिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, चॉप प्याज जो है वो हम इसमें डाल देंगे, और प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे, स्लाइटली ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम।
और इसे अच्छे से मिला देंगे। क्योंकि हमने पालक में लहसुन अदरक का पेस्ट पीसा हुआ है ऑलरेडी मिला के, तो इसीलिए हम इसमें अभी लहसुन अदरक को पीस नहीं डालेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। जो लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं वो इस समय एक मिर्ची डाल सकते हैं काट के छोटी छोटी, और या फिर जब पालक पीस रहे हैं तब भी उस समय भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और सारे मसाले डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक हमने जब पालक उबाला था तब भी डाला था, तो इसीलिए अब ध्यान से नमक दीजिएगा। थोड़ा कम हो तो लास्ट में भी हम ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें हल्दी मिला देंगे। जो भी मसाले डाल रहे हैं सब हाफ टी स्पून के आसपास हम डाल रहे हैं। अब हम मिर्ची डाल देंगे, लाल मिर्ची थोड़ा सा, वही हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे। फिर कोरिएंडर पाउडर हाफ टी स्पून। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए और मसाला भी हमारा भुन जाए। मसालों को अच्छे से मिला दिया, अब इसे हम ढक देंगे। करीबन 2 मिनट के लिए रखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब टमाटर भी गल गए हैं हमारे, और हम 1-2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। मसालों को अच्छे से और 1-2 मिनट भून लेंगे। अब और 2 मिनट हो चुका है, मसाला हमारा अच्छे से भून गया, इसमें से तेल भी अब रिलीज़ कर दिया है। अब इसमें हम पालक मिला देंगे। 1 कटोरी के आसपास हम इसमें पालक डाल देंगे। बड़ी कटोरी है इस तरह से, बड़ी कटोरी से हम 1 कटोरी पालक इसमें मसालों में डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन पालक। तो सबको पता ही है कि बहुत हेल्दी होता है। पालक को अच्छे से मिला दिया है, अब इसे हम 10 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। लो फ्लेम में 10 मिनट्स के लिए हम पालक को कवर करके रख देंगे। अब 10 मिनट्स हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे से पालक हो गया है। अब इस समय हम इसमें कॉर्न मिला देंगे। बहुत ही सुंदर दिख रहा है पालक के। मैंने और भी रेसिपीज डाले हैं, तो आप 7 दिन जैसे कहते हैं पालक खाना चाहिए, तो 7 डेज का हम आपको अलग अलग स्टाइल बना के दिखा रहे हैं। आपको मेरे पालक के और रेसिपीज चाहिए तो मेरे चैनल में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, लिंक मैं दे दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे पालक के लिंक ले सकते हैं। अब हम इसमें कॉर्न डाल देंगे। थोड़ा सा हम डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। अब इसे हम और 2 मिनट के लिए रख देंगे। एकदम गाढ़ा गाढ़ा, बहुत ही सुंदर हमारा। आप इसे रोटी के साथ, परौठे के साथ, इवन दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। यह हर चीज़ के साथ जाएगा, चाहे वो रोटी हो, चावल हो या परौठा हो। परौठे के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा सवेरे ब्रेकफास्ट में। और 2 मिनट हो गए हैं कॉर्न को डालने के बाद। अब ये बस हमारा एकदम तैयार है, अब इसे हम सर्व कर देंगे। पालक कॉर्न बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। अब ये हमने सर्व कर दिया है,
बहुत ही सुंदर है, हेल्दी भी है। आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे। इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को अंत तक देखते रहिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।